एक प्रूफ करते हैं अभी, बस फार्मूला आपको याद आना चाहिए कि फार्मूला इसमें लगेगा कौन सा। एक प्रूफ दिखा रहे हैं भाई आपको, देखिए मैंने अभी आपके सामने क्या लिखा था, एक बार ध्यान दीजिए। मैंने आपके सामने लिखा था साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा और साइन कितना 60 माइनस थीटा, और इसके अंदर बोला था मैंने 1/4 साइन 3 थीटा होगा, यही बोला था ना। इसका प्रूफ देख लीजिए, देखिए प्रूफ आसानी से, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। ये साइन थीटा को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, और ये दोनों को मैं जानबूझ के ब्रैकेट में ले रहा हूँ, किसको 60 प्लस थीटा को और साइन कितना 60 माइनस। अब एक चीज़ आपको फील करना, ये लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी और लिखा है साइन ए माइनस, क्या क्या लिखा जा रहा है बोला था ना मेरे को, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस। तो ये तो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर। अभी जस्ट पढ़ के आया हूँ कि साइन ए माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी आ जाए, या फिर ए माइनस बी ए प्लस बी आ जाए, एक ही बात है ये, चाहे यहाँ माइनस कर दो या यहाँ प्लस कर दो, चाहे आप यहाँ माइनस कर दो या यहाँ प्लस कर दो, या फिर यहाँ माइनस कर दो और यहाँ क्या कर दो, एक ही बात है। बस आपको फार्मूला आना चाहिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आप ये बताइए कि साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, तो इसका बन जाएगा यहाँ होल स्क्वायर और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आया, तो ये बन गया साइन थीटा, ये बन गया आपका 3/4 और ये बन गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तब तक आप एलसीएम करने के लिए तैयार हो, अगर आप एलसीएम करते हो तो एलसीएम 4 आएगा, ये वाला 3-4 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। अब एक काम करते हैं, 1/4 को बाहर कर देते हैं और इसका मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा 3 sin θ माइनस में 4 sin q θ। 1/4 बाहर चला गया, 3 sin θ माइनस में 4 sin q θ, क्योंकि 2 degree और 1 degree मिलकर कितना डिग्री हो जाएगा, कितना नंबर का बस आया, 34 नंबर का बस किसका होता है, साइन 3θ का। 34 नंबर का बस बना साइन 3θ, हो गया ना प्रूफ। आगे मैं कोई प्रूफ पे दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो सीधा सीधा क्वेश्चन पे आऊँगा इसका, ठीक है। एक प्रूफ दिखा दिया, काफ़ी है। अगर अगला प्रूफ चाहिए तो अगला प्रूफ आप खुद कर सकते हैं। अगला प्रूफ किस फार्मूला बैठेगा, उधर देखो, अगला प्रूफ फार्मूला किस बैठेगा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ देखो, उसको जब प्रूफ करेगा कॉस वाला को, देखो एक बार कॉस ए माइनस बी और एक बार कॉस ए प्लस बी, वही फार्मूला नीचे भी है। ए की जगह पे कौन बैठा है 60 और बी की जगह पे कौन बैठा है थीटा, बस प्रूफ हो जाएगा अगला भी। और बाकी 10 क्या है, 10 दोनों का डिवाइड तो है, 10 थीटा का मतलब क्या होता है साइन थीटा बटे, बस डिवाइड लगा लो प्रूफ हो जाएगा। अब आते हैं इसके क्वेश्चन के तरफ, है ना, मूव करते हैं। हालांकि अगला प्रूफ चाहिए तो अगला प्रूफ भी बहुत ही सिंपल सा, अगर आप चाहें तो कर लेना घर में, मैं आगे प्रूफ के लिए दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो सीधा सीधा क्वेश्चन पा रहा हूँ। क्वेश्चन सुनिए, सुनिए पहले क्वेश्चन है, देखिए सारे से, किसी ने क्वेश्चन में दिया साइन 10 degree इंटू में साइन 50 degree और इंटू में साइन 70 degree, है ना। ये क्वेश्चन है मेरा, और ये क्वेश्चन का सिंपल सा फील है कि ये साइन 10 को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं इसको साइन, सुनना मेरी बात, क्या मैं इसको साइन 60 माइनस 10 लिख सकता हूँ क्या, और क्या मैं इसको साइन कितना लिख सकता हूँ 60 प्लस 10, अरे 60 माइनस 10 50 फिर से लिखोगे क्या, 70 ना पुराना है, 60 प्लस 10 कितना होगा 70। अच्छा क्या वही फार्मूला भी नहीं आ गया, एक मिनट, वही फार्मूला आया क्या, साइन थीटा 60 प्लस थीटा, तो देखो 60 प्लस थीटा और 60 माइनस, तो सीधा सीधा फार्मूला बोलो 1/4 साइन 3 ए, ए का मान थीटा का मान बोलो, थीटा का मान देखो यहाँ क्या लिखा था साइन 3θ, तो थीटा कौन था, थीटा का मान कितना यहाँ पर 10, तो वो 10 को यहाँ भरना है, तो 1/4 साइन 30 और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो आंसर हो गया 1/8, 1/8 याद रहेगा ये फार्मूला। ओके अगला क्वेश्चन सुनना, कॉस 10 कॉस 50 कॉस 70, बोलो कॉस 10 को कुछ नहीं कर रहे हैं हम, ओके एक मिनट रुक जाओ, मैं चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन,
कॉस 20, कॉस 40, कॉस 80। आइए, कॉस 20 को कोई मतलब नहीं है इससे कि आप इसको कॉस 60 माइनस 20 40 होता है ना, और क्या इसको आप कॉस 60 प्लस 20 लिख सकते हैं क्या? तो फिर से फार्मूला बनेगा आपकी बार, कौन सा फार्मूला बनेगा? 1/4, हाँ आगे बोलो, कॉस 3 थीटा, तो कॉस 3 थीटा का मान हो गया 20, तो 1/4 कॉस 20 का मान, कॉस 60, कॉस 60 का मान 1/2, तो 1/4 गुना 1/2 तो कितना हो गया 1/8। कहाँ पे साइन स्क्वायर साइड, कहाँ पे ये वाला फार्मूला रे, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ देखो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, वही फार्मूला यहाँ पर देखो, ए प्लस बी और ए माइनस, तो साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर। फार्मूला का खेल है सब, और तुम लोग रेगुलर क्लास आते नहीं हो, गलती मत करना, आप रेगुलर क्लास आया करो, और ये सब अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो मैं अगला क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलता हूँ, हटाऊँ ये? अच्छा मैं आपके सामने ये हटा देता हूँ, आपको अगला क्वेश्चन इसी टाइप में दे रहा हूँ, लेकिन इसमें आपको खुद संभलना है, जो चीज़ नहीं होगा वो चीज़ हमको घर से देना पड़ेगा इसमें। देखिए क्वेश्चन में है कॉस 10, फिर लिखा हुआ है कॉस 40, और फिर लिखा हुआ है कॉस 70। अब आपका 60 वाला फंडा हर बारी फेल हो जाएगा। देखिए आप कॉस 10 को मुझे पता है आप कुछ नहीं करने वाले हो, और कॉस 70 को आप 60 प्लस 10 तो लिख दोगे ना, हाँ 70 को कॉस प्लस 60। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए क्या वो बोलो, कॉस 40 चाहिए। अरे कॉस 60 प्लस 10 के बाद क्या चाहिए किसी को, जो फार्मूला बन जाएगा कॉस कितना 60 प्लस 10 के बाद क्या लिखते हैं आगे, 60 माइनस 20 कैसे लिखेंगे यार, 60 प्लस 20 क्यों लिखेंगे फार्मूला, हाँ 60 माइनस 10 लिखेंगे ना फार्मूला, तो ये कहता है एक बार प्लस में लिखो एक बार किस में लिखो। अगर आपने जानबूझ के कॉस इधर लिख भी दिया 60 माइनस 10 और 60 में 10 जाएगा कितना बचता है, लेकिन अगर 50 वाला टर्म तो था ही नहीं, है पहला टर्म लेकिन आपको तो जरूरत था फार्मूला बनाने के लिए, क्योंकि ये है तो ये भी आएगा, और ये आपके पास नहीं है तो नहीं है, तो आप इसको बैलेंस कर दो, जो चीज़ आपने उधार लिया उसका बैलेंस, नहीं उधार लिया था 60-50 ने उधार लिया था, सॉरी कॉस 50 ने उधार लिया था, 60 में 10 जाएगा कितना बचेगा, तो यही ने उधार लिया था, और मल्टीप्लाई में इधर से कितना आ गया कॉस 40। देखा जो चीज़ नहीं था वो मैंने पूरा लिया, मुझे पता है 60 प्लस 10 के बाद 60 माइनस 10 ही आ सकता है, और ये नहीं था मैंने उधार ही लिया उधार चुकाया, क्योंकि ये दोनों फिर से कट जाएगा तो फिर से वही दिखेगा, दिखेगा ना। अच्छा तब तक आपके दिमाग में आ गया कि एक मिनट ये तो कॉस 10 ठीक है, कॉस आपका 60 प्लस 10 भी ठीक है, और अगला था कॉस कितना 60 माइनस 10 ये भी ठीक है, लेकिन मैं इसको लिख रहा हूँ कॉस 40 और इंटू में कॉस 50, अलग कर दिया मैंने इसको, इधर लिख दिया कोई फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ तक का तो फार्मूला बना लोगे आप, क्या फार्मूला होगा बोलो, 1/3 कॉस कितना, कॉस कितना 3 इंटू थीटा, थीटा कर बोलो इसमें 10, और तब तक इधर से हो गया आपका कॉस 40, अगर थोड़ा सा किसी को ज्ञान है तो ये अपने आप में साइन 40 है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 50 और 40 90, तो कॉस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, तो ये वाला हो गया 1/3, ये वाला हो गया कॉस 30 मल्टीप्लाई कॉट 40। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आया, आपने 10 में पढ़ा होगा कॉस 50 मतलब साइन 40। अच्छा अब एक बात समझिए, कॉस 30 का मान √3/2 और ये हो गया आपका कॉट 40, इसका मतलब ये हो गया √3 3 × 6 कॉट 40 है ना। तो ये भी उतना खास क्वेश्चन नहीं था, फिर भी एक बार हमने कर लिया, और ये गलती तो है ना, ये तो 1/4 होते रे, क्या होता है 1/4, तो ये 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन मैं आगे लगा रहा हूँ, जरा सुनना इस क्वेश्चन को,
जो जो चाहिए वो अपना घर से देना इसको। टेन 6 डिग्री, टेन 42 डिग्री और एक है टेन 78 डिग्री। ये थोड़ा लोचा वाला क्वेश्चन है। देखिए मुझे तो हमेशा 60 पे रनिंग करना है ना, तो मैं इसको लिख रहा हूँ टेन 60 डिग्री, है ना। अच्छा 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 अच्छा, और मेरे को दो चीज़ चाहिए हमेशा, एक चाहिए 60+6 और एक चाहिए 60-6। अच्छा 60+6 कितना होता है? 66 नहीं है यहाँ, है क्या? अच्छा और दिमाग लगाते हैं, और क्या नहीं है? एक 60-6 करते हैं तो कितना बचता है? 60-6 कितना होता है? 54। वो 54 भी मेरे पास नहीं है, वो अच्छा एक छोटा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, 10-66 मेरे पास पड़ा हुआ है, 10-66 है मेरे पास, 10-78 है। अब एक काम करते हैं, 10-6 को देखते हुए मैं 10-66 को 60+6, हाँ बिल्कुल 60+6 लिख रहा हूँ। ये चीज़ था मेरे पास, था ना। लेकिन इसके लिए एक अब उधारी काम भी चढ़ाना पड़ेगा कि अगर ये आया है तो इसके बाद 60-6 भी आएगा, और 60-6 कितना होता है? 54। लेकिन 54 मेरे पास है ही नहीं, है क्या ऊपर 54? तो मैं 54 का उधारी चुकाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अच्छा अगला, अब आपको दिमाग लगाना है ये दोनों के ऊपर कि आखिर ये कौन हो सकता है, ये दोनों कौन हो सकता है। इस पर तो दिमाग लगा दिए, 66+6 66 तो आता है, तो आपने क्या किया 60-6 भी ला लिया घर से और उधारी चुका दिया। अब ये दोनों के बारे में सोचना, ये दोनों सोचा चुका है, 10-6 आ गया, 10-66 आ गया, उधारी लिया उधारी चुकाया, क्योंकि आपको पता है 60+6 आएगा तो 60-6 भी आएगा, 60-6 कितना होता है? 54। लेकिन 54 ऊपर नहीं था इसलिए नीचे भी लगा दिया। अब ये दोनों को ऊपर दिमाग लगाना है, तो मैं देखो ये दोनों के बदले लिख रहा हूँ 10 कितना लिखूँ इसको, दोनों पूरा घटाने के बाद भी याद आना चाहिए और जोड़ने के बाद याद आना चाहिए। आप सोचो क्या क्या लिखूँ, 60 करके ही लिखना है, 60 से ज़्यादा नहीं जाना है, इसको क्या लिखूँ और इसको क्या लिखूँ, 60 लेकिन लाना है क्वेश्चन में, क्योंकि 60 का तो जो खेल है इसमें। हाँ बिल्कुल, एक ने बोला इसमें सर इसके लिए आप करो 18+ 60 और अगला बोलाएगा अगला क्या करूँ इसके लिए, गुना लिख देता हूँ, गुना आगे लिख, इसके लिए क्या लिखूँ, कैसे लिखूँ 42 60-18 और 60-18 तो 42 ही होता है ना। और आपको पता है कि 18 तो आपके ज़िंदगी में आ गया, लेकिन आपको पता है कि अगर 6 है तो 60+6 और 60-, आपकी बार देखो 60+18 60-18, लेकिन 18 ही गायब है, अरे 18 चाहिए ना, जैसे यहाँ लिखा था 6 तो 6+60+6 60-6, यहाँ पर 18 आया ना, तो आपको आगे भी तो 18 चाहिए, तो आपने नहीं था आपके पास, तो आपने क्या किया उधार लिया और उधार चुका लिया, ठीक है, उधार लिया और उधार चुकाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो कैसे लेंगे, ऐसे कि आपने एक सोचा है 10 कितना 60+18 और एक सोचा आपने 10 कितना 60-18, लेकिन 18 आपके पास नहीं है, तो आप यहाँ उधारी ले लो 18 का उधारी लिया और 18 का उधारी चुका दिया, ठीक है। और इतना सा तो फिर से फार्मूला बन जाएगा, और इतना सा का तो फार्मूला बनना ही है। तो ये क्वेश्चन आप घर से सोच के आओगे, नहीं सोच पाओगे तो मैं आपको ये क्वेश्चन यहीं करवा दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको कोई लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, आप कर लेना, दिमाग लगा लेना। अच्छा खास बात याद है, 10 का फार्मूला क्या बताए थे, सुनो पहले 10 थीटा, 10 60-थीटा और 10 60+थीटा का फार्मूला बोलो। 10 थीटा, तो वही 10 थीटा सब में लिखना था, ठीक है। चलिए फिर से अपन कल करने वाले हैं सारे क्वेश्चन, लेकिन करके जरूर आना, ये HW है, ठीक है ना। 10-6 डिग्री, 10-42 डिग्री, 10-60 डिग्री और 10-78 डिग्री, 66 डिग्री है ना, करके आना चाहिए।